क्या आप मानोगे कि टू हंड्रेड रुपीज़ में आपको टेन मेकअप प्रोडक्ट्स का कॉम्बो मिलने वाला है एंड ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा यस yes, ये पॉसिबल है मीशो पर मीशो है तो पॉसिबल है पर कैसे यार अच्छा एक ये चीज़ होती है कि कोई चीज़ महंगी है तो हम उसको नहीं खरीदते कोई चीज़ सस्ती है उसको नहीं खरीदना मतलब सोच रहे हो मेरे दिमाग में यही था कि मैं नहीं खरीदूंगी क्योंकि लोकल प्रोडक्ट ही होंगे पहले से पता था बट <laughs> एक अटका हुआ है वो गिर नहीं रहा है गिर जाओ मेरे जा मैंने प्रोडक्ट्स को काउंट किया टोटल टेन प्रोडक्ट्स ही मुझे मिले हैं और मिष्टी को यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए मतलब हमेशा से ऐसा रहता है जब भी मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ ना तो मेरे पास ऐसा कुछ होता है जो कि उसको चाहिए होता है और जितने लोग अपडेट मांग रहे थे ना मिष्टी कितनी बड़ी हो गई है वीडियो में दिखा के बताओ तो देखो मैं वैसे अपडेट तो देती रहती हूँ हर वीडियो में दिखती रहती है ये चार महीने की ये होने वाली है और इतनी बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा मुँह चलाती है बहुत सारी चीज़ें ये काटती कूटती रहती है क्योंकि अभी टाइम है इनका काटने कूटने का और इसको चाहिए यहाँ से ब्यूटी ब्लेंडर और एक और चीज़ जो कोई लिपस्टिक आई हाँ है बबल रैप हो के ना तो ये जो बबल रैपर है ना इसको वो चाहिए ये बबल रैप के साथ खेलती है मेरे जितने भी पार्सल है जिसमें बबल रैप होके आता है ना तो ये बबल रैप लेके चली जाती है तो मैंने फटाफट -फड़ बबल रैप खोला ताकि ये मुझे फ्री कर दे मतलब यार बहुत ज्यादा परेशान करी थी बबल रैप लेके निकल गई वो और अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर भी चाहिए खैर ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी को लेकर हम बात करेंगे ना तो मुझे मतलब ओके ओके लगी नहीं ज्यादा सॉफ्ट था न ज्यादा हार्ड था मतलब ठीक था लेकिन जब मैंने इसको स्क्वीज किया पानी में डाल के तो कुछ गंदा सा निकल रहा था सही बताऊ तो मुझे इन प्रोडक्ट से कोई भी उम्मीद नहीं थी एंड सबसे पहले सीरम से स्टार्ट करने वाले हैं यस इसमें सीरम भी मिलता है जिसका नाम है फिट शाइन विटामिन सी सीरम फोर्टीन एम की क्वान्टिटी मिलेगी जिसके बैक साइड पर कुछ भी मैंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या डाला गया है इंग्रीडियंट की जो लिस्ट होती है वो नहीं है मतलब आप अपने फेस पर क्या लगाने वाले हो आपको कुछ भी नहीं पता है बस इसको लगाना है ये रिस्की थी ये सारी चीजें पता है क्योंकि ये लोकल प्रोडक्ट है काफी ज्यादा हार्मफुल केमिकल होगा इनमें और इसकी स्मेल ना बहुत अजीब सी थी मतलब सड़े हुए संतरे के जैसे अजीब मतलब मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं कैसी लग रही थी और मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था इन प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे लगाते टाइम जब मैंने सीरम को ब्लेंड किया ना तो मुझे अपनी स्किन पे मतलब हैवी सा लग रहा था ऑयली लग रहा था एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है अगर आप इसको ना तो आपको लगेगा कि आपने ऑयल से फेस वॉश करा कराए वायदा भी इसमें लिबाम नहीं है ये मैं अपनी साइड से लगा रही हूँ ठीक है अब हम यूज करेंगे प्राइमर एंड इस पर लिखा है इन्फ्लेमेबल मेटीफाइन बेस प्राइमर एंड इसके पीछे इग्रीडियंट्स की लिस्ट दी गई है एंड कुछ इग्रीडियंट्स मैंने चेक किए थे जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल थे स्किन के लिए एंड देखने में कम प्राइमर जैसे खुशबू वगैरह कुछ भी नहीं आई थी मतलब कुछ भी स्मेल नहीं हो पा रहा था एंड जब मैं इसको लगा रही थी अपनी स्किन पर कर रही थी ना तो मुझे पूरा फील आ रहा था जैसे कि मैं अपने फेस पर ना एलोवेरा जेल जब हम लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लग रहा था मैंने इतने सारे प्राइमर यूज़ किए ना बिल्कुल मतलब वैसा इसका जो टेक्स्चर होना चाहिए छूने में टच करने में वैसा बिल्कुल नहीं था एकदम एलोवेरा जेल के जैसे और फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली फील हो रहा था और गाइस इसमें कंसीलर भी मिल जाएगा जिसका नाम है ब्यूजी स्किन करेक्ट कंसीलर ब्यूजी 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 इसमें से जो खुशबू आ रही थी ना हाय बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी काश ऐसा मेरे पास परफ्यूम होता एक तो इसका प्रोडक्ट बाहर आ नहीं रहा था ऊपर से जब आ रहा था तो जब मैं इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही थी ना इवन हाथ पे भी देख सकते हो तो जैसे बॉडी लोशन हम लगाते हैं ना स्किन में एब्जॉर्व हो जाता है इट वॉज जस्ट लाइक दैट मतलब इसका कोई असर ही नहीं दिख रहा था कि मैंने इसको लगाया है तो कोई डिफरेंस मुझे फील हो इवन मैं फेस पे भी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था थोड़ा सा मतलब डार्क सा है तो वहाँ पे मैंने लगा के एंड इसको ब्लेंड किया और देखो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गायब कहाँ

प्लस पोरलेस ये फाउंडेशन है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए भैया ऑयली स्किन वालों ने लगा लिया ना तो भाई शामत आ जाएगी बोलो कि कितना हैवी लगा लिया है फेस पे एंड कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी निकल के आ गई थी बाहर एंड मुझे लग रहा था मेरा फेस ना पूरा वाइट वाइट हो जाना है और ये तो सूंघने की आदत तो बहुत गंदी है साइड प्रोडक्ट्स मैं सूंग ही रही हूँ कि कैसे स्मेल आ रहा है और अब ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मुझे शक हो रहा था कि यह प्रोडक्ट जा कर रहा है जब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कहीं ब्यूटी ब्लेंडर पे तो नहीं घुस जा रहा है मतलब इतनी जल्दी ये प्रोडक्ट जल्दी जल्दी ब्लैंड होने लग रहा था और बिलीव मी मैंने ये फाउंडेशन पूरा लगा लिया है और मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर देख रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर में तो पूरा फाउंडेशन ही चिपक गया पता ही नहीं चल रहा है मैंने फाउंडेशन लगाया और ऊपर से हुआ क्या जब मैंने कुछ देर बाद फाउंडेशन उठाया ना तो देखो ये कंडीशन थी पीछे का जो सील था मतलब जो पैकिंग था वो खुल गया था खैर अब बारी आती है लूज पाउडर को यूज करने की एंड मेरे पास है ये एनसी ट्वेंटी क्लोज स्किन लूज पाउडर और इस इसपे जो पैड आया है इसके साथ बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का है और कुछ देर बाद मिट्टी लेके कहीं पता नहीं कहाँ चली गई इसको फाड़ फूड़ के उसने पता नहीं कहाँ ही गायब कर दिया है मैंने इसी पैड का यूज़ करके अपने फेस पे इसको लगाया है मैंने सोचा अब अलग अलग से क्या ही लेना है ना तो इसी के हेल्प से मैंने लगा दिया है जैसे भी बन रहा था अच्छे से तो वैसे बन नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड सा था एंड यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को ना मिट्टी की बुराई बता रही हूँ ऐसे ऐसे कर रही थी ऐसे ऐसे परेशान कर रही थी क्योंकि मम्मी घर पर नहीं थी मम्मी गई थी मार्केट मतलब इतने सारे स्टेप करने के बाद फाइनली मुझे अभी तक ये लूज पाउडर थोड़ा सा ठीक लगा अदर

चीज हुआ एंड ये हुडा नहीं है ये हुबा ब्यूटी लिखा हुआ है नाम तो गजब के हैं इनके एंड ये फेक आई लैशेज है जो कि मैंने जिंदगी में अपने कभी नहीं लगाए ना मैं प्रिफर करती हूँ मुझे काफी ओवर ड्रामा टाइप लगता है आंखें तो अच्छी लगती है इससे पर मेरे को नहीं पसंद है तो भाई तो ये मेरी ही एक आंख है मुझे पहचान नहीं आ रही <laughs> इसमें ना पहले से ही ग्लू लगा रहता है एंड एक बार मैंने लगाया उसके बाद हटाया ना तो दोबारा ये चिपक भी नहीं रहा था तो बस मेरा मन खराब हो गया मैंने छोड़ दिया अब हमारे पास दो लिपस्टिक है और मेरे हिसाब से दो लिपस्टिक की जगह काजल भेज देते ना तो थोड़ा सा ज़्यादा सही होता है एंड लिपस्टिक काफ़ी ज्यादा रगड़ने के बाद पिगमेंटेशन दे रही थी बहुत लो क्वालिटी की लिपस्टिक थी बिलीव मी मुझे काफी बेकार लगी ये मेकअप यहाँ मेरा कम्प्लीट हो गया है एंड मैंने लिपस्टिक को ब्लश की तरह एंड आई शेडो की तरह भी यूज़ किया है क्योंकि कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैंने मेकअप किया सारे प्रोडक्ट्स मैंने लगाए फिर भी नहीं लग रहा कुछ मैंने लगाया है अपने फेस पर मतलब नेचुरल मेकअप लुक हो गया ये तो लेकिन देखो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ ना तो मैं सारे प्रोडक्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मुझे सब एकदम बकवास लगे बस लूज पाउडर थो थोड़ा सा ठीक लगा यहाँ पर मैं रही हूँ रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो यार देखो सेंसिटिव स्किन है बिल्कुल ट्राई मत करना बाकी रिस्क आप ले सकते हो एंड मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करने के बाद